सुप्रभात कक्षा पहली। आज हम हिंदी की किताब से पाठ 9 शीर्षक प्यासा कौवा। आज हम प्यासा कौवा के बारे में एक कहानी आपको सुनाएंगे। इस कहानी के पहले कुछ यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं, कंडीशन इन शब्दों का हम उच्चारण करेंगे। इसके पहले हमने आपको पूरी मात्राओं के बारे में पढ़ाया, सारी मात्राओं का आपको ज्ञान हो चुका है, तो अगर शब्दों के उच्चारण करने में आपको आसानी होगी। तो देखिए कौवा, इसमें क्या की मात्रा लगी हुई है? औ की। झांका, इसमें आ की मात्रा। चौंच, ओ की मात्रा। घड़ा, आ की मात्रा। तरकी, बड़ी की मात्रा। पीने, बड़ी की मात्रा और ए की मात्रा। प्यास, आ की मात्रा। कंकड़, भूस, छोटा ऊ की मात्रा। पानी, आ की मात्रा और बड़ी की मात्रा। दाने, आ की मात्रा और ए की मात्रा। देखा, ए की मात्रा और आ की मात्रा। तो आपने देखा प्यासा कौवा में इतने कठिन शब्द हैं। अब हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं। देखिए आपकी हिंदी की बुक में आप क्या देखते हो कि एक कौवा है और यहाँ पर घड़ा रखा हुआ है। दूसरे में क्या देख रहे हो कि कौवा घड़े के ऊपर बैठा हुआ है। तीसरे में क्या देख रहे हो कि जो कौवा है कंकड़ को इस घड़े के अंदर डाल रहा है। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि कौवा चोंच डालकर पानी पी रहा है। तो इस चित्र के माध्यम से आपको कहानी पूरी करना है। तो देखिए एक कौवा था और वो बहुत प्यासा था। गर्मी का समय था, उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए वो पानी की तलाश में घर से बाहर निकला। उड़ते उड़ते जब वो बहुत दूर गया तो उसे एक घड़ा दिखाई दिया। वो घड़े के पास गया और उसने अंदर की ओर झांका तो क्या देखा कि घड़े में थोड़ा सा पानी है। अब वो सोचने लगा अब मैं क्या करूं, कौवे की जो चोंच थी वो तो बहुत छोटी थी, वहां तक उसका चोंच जा ही नहीं सकता था जिससे कौवा पानी पी सके। उसने अपने चारों ओर घूमकर देखा और सोचने लगा तो उसकी नजर कुछ कंकड़ के ऊपर पड़ी। तो उसने अपना दिमाग लगाया और अपनी चोंच से कंकड़ को उठा उठाकर घड़े में डालने लगा। तब तक डालता रहा जब तक कि पानी ऊपर नहीं आ गया। जब पानी ऊपर आ गया तब घड़े कौवे ने क्या किया, घड़े में अपनी चोंच डालकर उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तो कौवा पानी पीकर संतुष्ट हो गया। तो जो इस कहानी को आपको हमने बताई, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी मुश्किल काम क्यों ना हो, अगर हम बुद्धि से काम करेंगे तो हर काम हमारा आसान हो जाएगा। तो हमारे सामने कोई भी काम हो हमें घबराना नहीं चाहिए, सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए जिससे हमारा काम आराम से अच्छे से हो सके। धन्यवाद।